वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। नाउ व्हाट इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्या होता है? पिछले वीडियोज में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है, एकल ध्रुवी ट्रांजिस्टर होता है। ए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर इन विच द आउटपुट करंट इज कंट्रोल्ड बाय द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज। ये जो क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जो अर्धचालक से बनी होती है, और इसके अंदर जो आउटपुट करंट आता है वो प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र या वोल्टता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इट मीन्स एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, वोल्टता नियंत्रित युक्ति है, यानी धारा का मान वोल्टता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस था, धारा नियंत्रित युक्ति, यानी धारा के मान से इनपुट में जो करंट देते थे उसका मान परिवर्तित करके हम आउटपुट करंट का मान परिवर्तित करते थे, यानी धारा से धारा को नियंत्रित करते थे, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यानी इसमें केवल एक ही प्रकार के बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल होते हैं, यानी उसी के कारण करंट फ्लो होता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है या होल्स के कारण होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसलिए इसे एकल ध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। लेकिन जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए उसे बाइपोलर कहते हैं। दिस ट्रांजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो ट्रांजिस्टर है दो प्रकार के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर जिसको हम JFET कहते हैं, और इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, रोधी द्वार क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर IGFET, और दूसरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर MOSFET। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो हम इसमें JFET के बारे में अध्ययन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसी होती है? ए जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ ए सेमीकंडक्टर रोड आल्सो कॉल्ड चैनल, यह एक अर्धचालक रोड से बनी युक्ति है जिसे चैनल भी कहते हैं। अब उस चैनल में क्या होता है, विच इज डॉप्ड विथ N और P टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, यानी वो जो चैनल होता है या तो N प्रकार की अशुद्धि या पी प्रकार की अशुद्धि से बाधित होता है। दी एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड आर हैवीली डॉप्ड विद द सेम इम्प्यूरिटी, यानी इसके जो दोनों सिरे हैं, अंत सिरे दोनों ओर लेफ्ट और राइट के, वो समान प्रकार की अशुद्धि से अत्यधिक बाधित होते हैं। एंड ऑन दीज एंड पॉइंट्स टू टर्मिनल्स S and D आर अटैच्ड फॉर ओहमिक कॉन्टैक्ट्स, यानी प्रतिरोधी संपर्क के लिए, ओहमिक संपर्क के लिए इसके दोनों सिरों पर दो टर्मिनल लगा देते हैं, एक को S बोलते हैं और दूसरे को D बोलते हैं। इफ द रोड इज मेड अप ऑफ N टाइप सेमीकंडक्टर, यदि ये N प्रकार के अर्धचालक से बनी है रोड, देन इट इज नोन एज N चैनल FET, इसे N चैनल FET कहते हैं या N चैनल JFET कहते हैं। एंड इफ द रोड इज मेड अप ऑफ P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, देन इट इज नोन एज P चैनल FET और JFET, यानी प्री प्रकार के अर्धचालक से अगर वो रोड बनी है, वो चैनल बना है, तो P चैनल FET कहेंगे। वन एंड टर्मिनल ऑफ दिस FET फ्रॉम विच मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंटर इनटू द FET इज नॉन ए सोर्स, यानी दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल जिसमें से बहुसंख्यक आवेश वाहक FET के अंदर प्रवेश करते हैं वो सोर्स कहलाता है, स्रोत। एंड द अदर टर्मिनल फ्रॉम वेयर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स लीव द FET, यानी दूसरा जो टर्मिनल है जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक उस FET से बाहर निकलते हैं, वो ड्रेन या निर्गम कहलाता है, D। ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द रोड, उस रोड के विपरीत फलकों पर हैविली डॉप्ड गेट्स
आर कंस्ट्रक्टेड, यानी अत्यधिक मादित द्वार बनाए जाते हैं विच आर डॉप विथ एन इम्प्यूरिटी अपोजिट टू डेट यूज इन दी चैनल, और उसकी जो अशुद्धि होती है, इम्प्यूरिटी होती है, वो चैनल की इम्प्यूरिटी से विपरीत होती है। अगर चैनल एन एन टाइप का है तो वो गेट्स पी टाइप के होते हैं, और चैनल अगर पी टाइप का है तो गेट एन टाइप के होते हैं। इन एन चैनल एफिटी द गेट जी जी आर पी प्लस टाइप ऑफ पोर्शन, यानी दो दोनों तरफ होते हैं गेट, दोनों अब विपरीत फलकों में होते हैं, तो जी जी दो हो गए, तो पी प्लस प्रकार की अशुद्धि। पी प्लस का मतलब अत्यधिक मादित की हुई, हेविली डॉप्ड। एंड इन पी चैनल एफ ई टी द गेट जी जी आर एन प्लस टाइप ऑफ पोर्शंस, एन एन प्लस प्रकार के होते हैं पी चैनल एफ ई टी में। ये डायग्राम देख सकते हैं, ये एन चैनल एफ ई टी है और ये पी चैनल एफ ई टी है। तो एन चैनल में ये जो रोड है या ये जो चैनल है, एक तरफ का टर्मिनल एस है स्रोत और एक तरफ का ड्रेन निर्गम, दोनों ओर गेट्स हैं वो पी प्लस टाइप की इम्प्यूरिटी है। इसी तरह पी चैनल में ये जो रोड है या चैनल है वो पी टाइप का है और दोनों तरफ जो गेट्स हैं वो एन प्लस टाइप के हैं। द सर्किट सिंबल्स यूज्ड फॉर एन चैनल एफ ई टी एंड पी चैनल एफ ई टी आर शाउन इन दी फिगर। जो परिपथ प्रतीक है या परिपथ का जो संकेत है वो यहाँ दिखाया गया है, ये एन चैनल एफ ई टी है और ये पी चैनल एफ ई टी है। अब यहाँ गेट पे जो एरो मार्क्स दिखाए हैं वो धारा की दिशा को इंगित करते हैं, करंट की डायरेक्शन को दर्शाते हैं। दी एरो मार्क ऑन गेट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ देयर इज फॉरवर्ड बायस अप्लाइड बिटवीन दी गेट जी एंड दी सोर्स एस, यानी गेट जी और सोर्स के बीच अगर फॉरवर्ड बायस अप्लाई करें, अगर बायस करें, तो धारा की दिशा, जैसे यहाँ हम देखें एन चैनल में ये पी टाइप का है, तो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगाएंगे, ये एन टाइप का है और बैटरी का नेगेटिव लगाएंगे, तो करंट अंदर की दिशा में जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, तो एन चैनल में अंदर की ओर। अब ये पी चैनल में ये एन टाइप का है तो यहाँ नेगेटिव लगाएंगे और यहाँ पी टाइप का पॉजिटिव लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की ओर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तो पी चैनल में करंट की डायरेक्शन बाहर की ओर है। ऑपरेशन, इसका प्रचालन कैसे होगा? ए एन चैनल जे एफ ई टी शॉन इन दी फिगर, चित्र में दर्शाया गया है एन चैनल। दी वोल्टेज वी डी एस इज अप्लाइड बिटवीन द ड्रेन टर्मिनल डी एंड द सोर्स टर्मिनल एस सच डेट द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन द चैनल विल फ्लो फ्रॉम द सोर्स एस टू द ड्रेन डी। अब डी और एस के बीच एक बैटरी लगाते हैं वी डी डी, जिसके कारण डी और एस के बीच एक वोल्टेज लगता है वो है वी डी एस। अब इसका मान इस प्रकार होगा कि जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से या सोर्स से अंदर प्रवेश करेंगे और चैनल में से आगे बढ़ते हुए ड्रेन से बाहर निकलेंगे। तो एन चैनल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन की ओर कब आएंगे? तो ड्रेन वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एस वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो वी डी एस इसके अंदर पॉजिटिव होगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से ड्रेन की ओर जाएंगे चैनल में से होते हुए। इन एन चैनल एफ ई टी द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स सो डेट द ड्रेन टर्मिनल डी इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स टर्मिनल एस, इट मीन्स वी डी एस इज पॉजिटिव, यानी वी डी एस धनात्मक होता है। द वोल्टेज बिटवीन द गेट जी एंड द सोर्स एस इज सो अप्लाइड डेट द पी एन जंक्शन फॉर्म्ड देयर रिमेन्स रिवर्स बायस्ड, यानी गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो इस प्रकार करेंगे कि जो पी एन जंक्शन बनेगा इस गेट और सोर्स से मिलाकर, पी एन संधि, वो पश्च बायस ही तो रिवर्स बायस हो। यदि पी टाइप का है गेट इसलिए इसको नेगेटिव से जोड़ा, और एन टाइप का है इसलिए इसको पॉजिटिव से जोड़ा, तो जो गेट और सोर्स के बीच जो पी एन जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो गया, तो वी जी एस नेगेटिव है। दस इन एन चैनल एफ ई टी द गेट जी शुड बी नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स एस, इट मीन्स वी जी एस इज नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड इन पी चैनल जे एफ ई टी वी डी एस इज नेगेटिव एंड वी जी एस इज पॉजिटिव, यानी उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये हमने एक डायग्राम बताया है, इसमें सिंबल से किस प्रकार गेट और सोर्स के बीच वोल्टेज लगाया जो इसको रिवर्स बायस कर रहा है, और ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज इस प्रकार लगाया कि
कि जो इसके अंदर चार्ज कैरियर्स हैं वो सोर्स से होते हुए ड्रेन की ओर गमन करें। ड्यू टू द रिवर्स बायस ऑन द पीएन जंक्शन बिटवीन द गेट एंड द चैनल, अभी हमने चित्र देखा ही है, गेट और सोर्स के बीच का जो पीएन जंक्शन है, पीएन संधि है, तो उस रिवर्स बायस के कारण क्या होगा, डिप्लेशन रीजन डेवलप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द चैनल, क्योंकि ये दोनों तरफ कर रहे हैं हम, उस चैनल के दोनों ओर जो गेट लगे हुए हैं उसको सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया है और रिवर्स बायस लगाया है, तो दोनों ओर क्या होता है, अवक्षय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द चैनल इन विच देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, यानी उसमें कोई मुक्त आवेश उपस्थित नहीं होते, ओनली इन मोबाइल चार्ज रिमेन देयर, केवल अचल आवेश यानी आयन उपस्थित रहते हैं, वहाँ से आवेश चला जाता है, फ्री चार्ज जो होते हैं मुक्त आवेश वो वहाँ से गमन कर जाता है और केवल इमोबाइल आयन्स रह जाते हैं, अचल आयन रहते हैं। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द रिवर्स बायस, यानी उस रिवर्स बायस में VGS के मान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे डिप्लेशन रीजन की थिकनेस भी बढ़ती जाएगी, उसकी विड्थ भी बढ़ती जाएगी दोनों ओर। ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज VDS, अब VDS बढ़ाएं तो क्या होगा, द रिवर्स बायस ऑन PN जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस, यानी VDS में वृद्धि करने पर भी रिवर्स बायस में वृद्धि होगी, एंड हेंस द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द चैनल डिक्रीजेस, यानी जिस चैनल में से इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है सोर्स से ड्रेन की तरफ, हम एन चैनल FET की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रभावी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। Thus the effective width of the channel can be controlled by both the voltages VDS and VGS, यानी VDS और VGS दोनों के द्वारा उस चैनल की प्रभावी चौड़ाई या मोटाई को नियंत्रित किया जा सकता है। As a result, the drain current ID is the function of both the voltages VDS and VGS, यानी जो drain current होगा, जो निर्गम धारा होगी ID, वो दोनों वोल्टताओं का फलन होगी, VDS पर भी निर्भर करेगी और VGS पर भी निर्भर करेगी। Due to reverse bias on source gate junction, स्रोत द्वार संधि पर पश्च बायस जो लगा रहे हैं, ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट IG फ्लोज इन द गेट, तो गेट में जो करंट फ्लो होता है वो बहुत कम होता है क्योंकि रिवर्स बायस है, एंड हेंस द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ JFET इज वेरी लार्ज, इसलिए इसका जो निवेशी प्रतिरोध होता है JFET का वो बहुत ज्यादा होता है। करैक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ JFET, तो JFET के अभिलाक्षणिक वक्र, इन JFET द ड्रेन करंट ID डिपेंड्स ऑन द वोल्टेजेस VDS एंड VGS, यानी ID का मान इन दोनों वोल्टेज पर डिपेंड करता है। द डिपेंडेंस ऑफ दिस क्वांटिटीज ऑन ईच अदर, यानी इन क्वांटिटीज की जो एक दूसरे पर निर्भरता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट कर्व्स, वो अलग अलग वक्रों के द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं, जिनको क्या कहते हैं, नॉन एज करैक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ FET, जो FET के अभिलाक्षणिक कहलाते हैं या अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। द सेट ऑफ कर्व्स ड्राउन बिटवीन वोल्टेज VDS एंड करंट ID, कीपिंग वोल्टेज VGS टू बी कॉन्स्टेंट, यानी वक्रों का वह समूह जो VGS और ID के बीच खींचा जाता है, VDS और ID के बीच खींचा जाता है और VGS को कांस्टेंट रखते हैं, यानी VGS के अलग अलग मान लेते हैं और VDS और ID के बीच मान ज्ञात करते हैं, तो ये जो कर्व प्राप्त होंगे, वक्र प्राप्त होंगे, वो ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक। एंड द सेट ऑफ कर्व्स ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज VGS एंड करंट ID, यानी जो वोल्टेज VGS और ID के बीच खींचे जाते हैं और VDS को कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो ये जो कहलाते हैं अंतरण अभिलाक्षणिक, ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो इसके लिए ये डायग्राम है, यानी यहाँ हमने VGG वोल्टता लगाई है, रियोस्टेट लगाया है, इसका मान हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो G और S के बीच जो वोल्टता होगी वो VGS होगी। इसी तरह यहाँ VDD वोल्टता लगाई है रियोस्टेट के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम इस वोल्टता का मान परिवर्तित कर सकते हैं, तो ड्रेन और सोर्स के बीच जो वोल्टेज होगा वो VDS होगा, जिसके कारण इसके अंदर करंट फ्लो होगी, तो VDS का मान VGS का मान चेंज करके हम ID का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ID का मान जो होगा वो मिली एम्पियर ऑर्डर का होगा। नाउ ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, निर्गम अभिलाक्षणिक क्या होंगे,
द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर शॉन इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में दर्शाए गए हैं निर्गम अभिलाक्षणिक। दीज कर्व्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स, इन वक्रों को तीन क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ए से बी, जहाँ एकदम धारा का मान बढ़ रहा है, ये एक क्षेत्र है। इसी तरह बी से सी लगभग कांस्टेंट रह रहा है, और सी से डी और एकदम मान बढ़ रहा है। यानी वीडीएस के अलग अलग मानों के लिए मान पहले लीनियरली बढ़ता है, फिर कांस्टेंट होता है, और एक अब्रप्टली बढ़ता है। तो ये तीन रीजन है। ये जो पहला ए से बी रीजन है वो ओहमिक और लीनियर रीजन है, या रजिस्टिव रीजन भी बोलते हैं। बीच वाला सेचुरेशन रीजन है, और ये ब्रेकडाउन रीजन है। तो इन तीनों रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है रजिस्टिव प्रतिरोधी और लीनियर रीजन, रेखीय क्षेत्र, या ओहमिक रीजन भी बोलते हैं। दिस रीजन इज फाउंड एट लो वैल्यूज ऑफ वोल्टेज VDS, यानी VDS के कम मानों के लिए रीजन प्राप्त होता है। एंड इन दिस रीजन द ड्रेन करंट ID इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज VDS, यानी इसमें VDS के अप्रोक्सली प्रोपोर्शनल होती है ID। VDS का मान जैसे बढ़ाते हैं तो ID का मान भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। इट इज शोन बाय द पोर्शन AB ऑफ द कर्व इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में ये AB से दिखाया गया है। इन दिस कंडीशन द चैनल रोड बिहेव्स एज ए नॉर्मल रेजिस्टेंस, यानी एक सामान्य प्रतिरोध की तरह व्यवहार करती है चैनल रोड जो छड़ है। तभी तो V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा, ओम्स लॉ अप्लाई होगा। सेचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। इन दिस रीजन द ड्रेन करंट ID रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, यानी ID का मान लगभग नियत रहता है। इन इट मीन्स इन दिस रीजन द डिपेंडेंस ऑफ VDS ऑन ID इज वेरी स्मॉल, यानी VDS की जो मान में परिवर्तन करते हैं तो ID का मान कॉन्स्टेंट रहता है, तो ID की जो VDS पर निर्भरता है वो बहुत कम होती है। इट इज शोन बाय द पोर्शन BC ऑफ द कर्व आफ्टर लीनियर रीजन, रेखीय क्षेत्र के बाद जो वक्र का BC भाग है उसके द्वारा दर्शाया गया है। इन दिस रीजन द FET बिहेव्स एज ए कॉन्स्टेंट करंट सोर्स फॉर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वोल्टेज VDS, यानी VDS के एक यथेष्ट परास के लिए यह जो क्षेत्र है वो एक नियत धारा स्रोत की तरह व्यवहार करता है। इसमें FET जो होता है नियत धारा स्रोत की तरह व्यवहार करता है। एट द बाउंड्री ऑफ लीनियर एंड सेचुरेशन रीजन, अब लीनियर रीजन जहाँ समाप्त हो रहा है और सेचुरेशन रीजन जहाँ शुरू हो रहा है, तो उस बाउंड्री पर, उस सीमा पर, द वैल्यू ऑफ VDS आफ्टर विच देर इज नो इंक्रीज इन ID, यानी VDS का मान और बढ़ाएं तो ID के मान में वृद्धि नहीं होती है। तो VDS का वो जो कम से कम मान है उसके बाद ID के मान में वृद्धि नहीं होती है, उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, संकुचन वोल्टता कहते हैं, जिसे VP से लिखते हैं। तीसरा रीजन है ब्रेकडाउन रीजन, टूटन क्षेत्र। द मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स डिपेंड्स ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन, यानी VDS का मान अधिकतम कितना अप्लाई कर सकते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है, जो PN संधि बनी है उस पर पश्च बायस हम लगा रहे हैं तो उसकी टूटन पर निर्भर करता है। जैसे डायोड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जेनर डायोड, जब उसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसे वोल्टेज होता है कि उसके अंदर टूटन उत्पन्न होने लग जाती है, ब्रेकडाउन होने लग जाता है। इसी तरह इसमें भी जो PN जंक्शन होता है उसमें उस डिप्लेशन रीजन के अंदर जो चार्ज कैरियर्स, जो आयन्स हैं उसके अंदर चार्ज कैरियर्स बहुत अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं, जिसके कारण करंट का मान बहुत बढ़ जाता है। तो दिस वोल्टेज इज नॉन एज ड्रेन टू सोर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यह जो वोल्टता है निर्गम स्रोत भंजन या टूटन वोल्टता कहते हैं, यानी VDS का एक ऐसा मान है जिसके बाद टूटन होने लग जाती है, ब्रेकडाउन होने लग जाता है। ऑन अप्लाइंग द वोल्टेज हायर देन दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, यानी इस विशिष्ट वोल्टता से ज़्यादा मान दें वोल्टता का, द ड्रेन करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली, तो ड्रेन करंट जो है निर्गम द्वारा है ID उसका मान तेजी से बढ़ता है। विच इज शोन बाई CD पोर्शन इन द कर्व, जो कि वक्र में CD भाग द्वारा दिखाया गया है।
दिस रेंज ऑफ VDS इज नॉन एज ब्रेकडाउन रीजन। तो VDS की यह परास जिसमें धारा का मान तेजी से बढ़ता है उसे भंजन क्षेत्र कहते हैं या टूटन क्षेत्र कहते हैं। विथ इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज, अब पश्च बायस वोल्टता VGS में वृद्धि के साथ, द ब्रेकडाउन इज फाउंड एट लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज VDS। जो टूटन होती है, जो भंजन होता है, वो वोल्टता VDS के कम मान के लिए होती है। यानी अलग अलग वक्र हमने खींचे हैं VGS के अलग अलग मानों के लिए, तो आप अलग अलग वक्रों से देख सकते हैं जब VGS का मान बढ़ाते हैं तो VDS के कम मान पर ही टूटन हो जाती है उसमें और धारा का मान बढ़ने लगता है। दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज डिक्रीजेस। यानी VGS में वृद्धि के साथ टूटन वोल्टता के मान में कमी होती है। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स, अंतरण अभिलाक्षणिक, बाय कीपिंग द वोल्टेज VDS कॉन्स्टेंट इन द सेचुरेशन रीजन। यानी जहाँ VDS के मान के साथ ID कॉन्स्टेंट रहता है, ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, तो VDS का वो मान लेना है जहाँ ID कॉन्स्टेंट होता है। तो संतृप्त क्षेत्र में VDS का मान लेंगे, कोई सा भी मान ले लें एक। द कर्व डाउन बिटवीन द वोल्टेज VGS एंड द सेचुरेशन ड्रेन करंट, उसमें जो करंट होता है उसको कहेंगे संतृप्त निर्गम धारा IDS। तो वो जो IDS करंट है उसका मान VGS के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो हमने देखा है कि VGS का मान बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायस बढ़ता है तो धारा का मान कम होता है। तो VGS में वृद्धि के साथ धारा के मान में कमी होगी जैसा कि हम देख रहे हैं। तो धारा का मान कम करने के लिए धारा का मान कुछ न कुछ तो पहले चाहिए हमें, इसलिए हम VDS का ऐसा मान लेते हैं कि धारा का मान हमें प्राप्त हो, अच्छा प्राप्त हो, ताकि VGS के मान में वृद्धि करके हम धारा का मान कम कर सके। ए ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ VDS इज शाउन इन दी फिगर। यानी VDS के एक पर्टिकुलर मान के लिए ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक दिखाया गया है चित्र में। द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक शोइंग ए रिलेशन बिटवीन IDS एंड VGS कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग पैराबोलिक इक्वेशन। ये एक पैराबोला टाइप है, तो IDS और VGS के बीच रिलेशन जो है वो एक पैराबोलिक रिलेशन है, परवली समीकरण से हम इसको दर्शा सकते हैं। वेयर IDSS इज डेड वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट, यानी IDS का वह मान है, संतृप्त द्वारा IDS का वह मान है व्हेन द गेट इज शॉर्ट सर्किटेड, जब द्वार को लघुपतित कर दें, डेट इज व्हेन VGS इक्वल टू जीरो। यानी VGS जब जीरो कर दें तो उस समय जो धारा का मान है सेचुरेशन रीजन के अंदर वो IDSS है। फ्रॉम द कर्व इट इज क्लियर डेट ऑन अप्लाइंग ए डेफिनेट रिवर्स बायस वोल्टेज VGS इन दिस सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट बिकम जीरो। यानी VGS का मान बढ़ाते जाएं तो एक निश्चित मान पर VGS के जो करंट का मान है वो शून्य हो जाएगा। तो उस वोल्टेज को क्या कहेंगे जहाँ करंट का मान शून्य हो जाएगा, दिस वोल्टेज इज नॉन एज कट ऑफ वोल्टेज। इस वोल्टता को अंतक वोल्टता कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन द कर्व एट VGS इक्वल टू जीरो, यानी VGS इक्वल टू जीरो पर जो कर्व का जो बिंदु है वहां पर अगर हम एक टेंजेंट खींचें, देन द टेंजेंट कट्स द VGS एक्सिस एट डेट पॉइंट। तो ये जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा, ये VGS एक्सिस पर ऐसे बिंदु पर काटती है वेयर VGS इक्वल टू माइनस VP बाई टू। यानी VGS का मान किसके बराबर होता है वहां, माइनस VP बाई टू के बराबर होता है। बाई यूजिंग दिस द वैल्यू ऑफ VP कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड, यानी इसके उपयोग से भी हम VP का मान ज्ञात कर सकते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, संकुचन वोल्टता का मान ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।